क्लासेस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और ये लगभग सारे ब्रांचों में कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, चाहे ऑटो से हैं या फिर प्रोडक्शन से हैं या फिर कैट से हैं तब पर भी आपको पढ़ना है, या फिर सिविल इंजीनियरिंग से हैं तब पर भी आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से तब पर भी आपको पढ़ना है, सीएस से हैं तब पर भी आपको पढ़ना है। सीएस में कुछ चीजें चेंज जाती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें से मैच करते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स से है तब पर भी आपको पढ़ना है, यानी कि फर्स्ट ईयर के लगभग सारे ब्रांचों में इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट एक कॉमन सब्जेक्ट है और इसमें थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगी। ये हैंड रिटन नोट्स है जो मेरे द्वारा लिखा गया है, आप बुक लेकर भी पढ़ सकते हैं। तो हैंड रिटन नोट्स हमने क्या किया है, जो आपको पढ़ना है पॉइंट टू पॉइंट उन चीजों को रखा है, बाकी सारी चीजों को हमने हटा दिया है, तो आप इस पीडीएफ नोट्स को लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1, जो कि है इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एप्लीकेशंस। तो हम समझेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है और उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं और इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार से यूज किया जाता है, ये हम लोग इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, ये नोट्स है, पहले पेज पे आपको मिल जाएंगे ड्राइंग फर्स्ट, इसके बाद से आपको मिल जाएगा यहाँ पे चैप्टर के नाम। तो कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। तो पहला चैप्टर जो आपका है इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एप्लीकेशन, तो इसमें क्या करना है, आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जैसे कि क्या पेंसिल, रबर, कटर, स्केल, मिनी डॉक्टर, ठीक है, प्रोटेक्टर, कंपास, ये सभी क्या है इंस्ट्रूमेंट है जिनके बारे में डिटेल से भी हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोग एक चीज और जान लेते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ड्राइंग शीट। अक्सर आप लोग क्लास 10th तक या 12th तक पढ़े होंगे तो चार्ट पेपर जानते होंगे, जो सफेद रंग का जो है चार्ट पेपर होता है व्हाइट, उसी चार्ट पेपर को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, ड्राइंग शीट कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राइंग शीट कहा जाता है। ठीक है, तो उसको आप चार्ट पेपर नहीं, आप उसे ड्राइंग शीट के नाम से जानेंगे। तो हम लोग को क्या करना होता है, ड्राइंग शीट बनाना होता है। तो जो पहला चैप्टर है इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एप्लीकेशन, इससे हम लोग को तीन ड्राइंग शीट बनाना होगा। कितना बनाना होगा, तीन ड्राइंग शीट बनाना होगा। ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तीन ड्राइंग शीट बनाएंगे। ठीक है, ये आपको कॉलेज में जमा हो जाता है, कॉलेज में जो टीचर होते हैं उससे चेक करके अपने पास जमा कर देते हैं और कहीं किसी किसी कॉलेज में इसको वापस भी कर दिया जाता है और कहीं पे वापस नहीं भी किया जाता है। ठीक है, तो पहले चैप्टर से हमको तीन ड्राइंग शीट बनाना होगा। दूसरा चैप्टर है हमारा लाइंस यानी कि रेखाएं, डायमेंशन, बीमा एंड कन्वेंशन यानी कि सिंबल। ठीक है, तो ये तीन चीजें हम लोग को पढ़नी है चैप्टर नंबर 2 में, और चैप्टर नंबर 2 से हम लोग को एक ड्राइंग शीट बनानी है। कितनी बनानी है, एक ड्राइंग शीट बनानी है। ठीक, इसी प्रकार से तीसरा चैप्टर है हम लोग का लेटरिंग, मतलब कि लेखन, किस प्रकार से इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी डाटा को या फिर किन शब्दों को किस प्रकार से लिखना चाहिए, उसका उचित तरीका हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे लेटरिंग में। ठीक है, अक्षर लेखन में। तो इससे हम देखेंगे कितना ड्राइंग शीट बनाना है, इससे हम लोग को बनाना है दो ड्राइंग शीट। कितना बनाना है, दो ड्राइंग शीट, इससे हम लोग दो ड्राइंग शीट बनाएंगे। ठीक है, अब चौथा चैप्टर है स्केल। स्केल मतलब मापनी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे दो प्रकार के मापनी पढ़ेंगे, सिंपल और डायगोनल। ठीक है, तो इससे हम लोग को बनाना होगा दो ड्राइंग शीट। कितना बनाना होगा, दो ड्राइंग शीट बनाना होगा। इसी प्रकार से पांचवा चैप्टर है सिंपल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सिंपल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में क्या सीखेंगे हम लोग, पेंटागन, हेक्सागन, ठीक है, इस टाइप की चीजें बनाना सीखेंगे। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, एक ड्राइंग शीट बनाएंगे, एक ड्राइंग शीट को बनाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इससे जो है 20 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, 20 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और आपके पेपर में पहला क्वेश्चन जो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से ही होता है, जिसको करना अनिवार्य होता है।
मतलब कि ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। तो अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो बाकी आपका ट्रांसक्रिप्ट चेक नहीं होगा, और एक क्वेश्चन इससे जो है 20 नंबर का आता है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो इससे ड्राइंग शीट जो है ज्यादा बनाई जाएगी, तो 6 ड्राइंग शीट इसे बनाया जाएगा, ठीक है। एक चीज और जानिए, जो इंजीनियरिंग ड्रॉइंग यानी शॉर्ट में कहा जाता है ईडी फर्स्ट है, वो आपका 60 नंबर का पेपर है, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्रॉइंग कितने नंबर का है? 60 नंबर का पेपर है। जैसे कि बाकी आपके जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सीएस यानी इंग्लिश, वो सब के सब 50 नंबर के पेपर होंगे, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका 60 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 60 में से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से एक क्वेश्चन आना फिक्स होता है, जो कि 20 नंबर का होता है, ठीक है। इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन एंड प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, ठीक है, इन सब से मिला करके हम लोग क्या करेंगे, 3 ड्राइंग से जो है 3 सीट बना लेंगे, ठीक है। कितना सीट बना लेंगे? 3 सीट बना लेंगे। उसके अलावा आइसोमेट्रिक से हम लोग 2 सीट बना लेंगे, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। सेक्शन से 1 सीट बना लेंगे, ठीक है। और ये जो लास्ट के 2 चैप्टर हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरफेस एंड ऑटोकैड, ये आपके सिलेबस में जरूर हैं, लेकिन बोर्ड में इसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ना जरूर है, लेकिन बोर्ड में इसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इस बात को कि पूरे आपके पूरे सिलेबस से टोटल जो है, टोटल आपको 20 ड्राइंग शीट बनानी होती है। कितनी आती है? 20 ड्राइंग शीट बनानी होती है, और टोटल पेपर 60 नंबर का होता है, ठीक है। और पास होने के लिए कम से कम आपको 20 नंबर चाहिए होता है, ठीक है। कितना चाहिए था? 20 नंबर कम से कम। तो 60 में 20 नंबर पाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको इतना टारगेट नहीं करना है, आपको अच्छा नंबर पाना है, कम से कम 55 नंबर तो आपको लेके आना है। वो कैसे लेकर के आएंगे तो हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपके सिलेबस के बारे में। तो आप स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट को। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसका नाम क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एप्लीकेशंस। तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग होना चाहिए, क्या है ये? इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या चीज, सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बता ये जाना जाता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। जैसे कि हम और आप जो है अपने विचारों को प्रकट करने के लिए एक भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसी भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार इंजीनियर क्या होते हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, अपनी बातों को समझाने के लिए, दूसरे इंजीनियर को समझाने के लिए कुछ ड्राइंग का प्रयोग करते हैं, कुछ क्या बोलते हैं, रेखाओं का प्रयोग करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इंजीनियर जो है एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे को ड्राइंग को समझ सके, उस ड्राइंग को हम लोग क्या करते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, इंजीनियरों की भाषा है, ठीक है। तो क्योंकि आप इंजीनियरिंग करने के लिए तैयार हैं, आप एडमिशन ले चुके हैं, तो आपको भी ये भाषा आनी चाहिए, इससे आते आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है पढ़ना जरूरी है। तो यही बात यहाँ पर लिखा गया है, इसको यहाँ पे आप पढ़ के भी समझ लीजिए क्या लिखा गया है। किसी व्यक्ति को अपने विचारों को प्रकट करने अथवा दूसरों के विचारों को समझने की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति के विचारों के आदान प्रदान के इस माध्यम को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। इसी प्रकार अभियंता, अभियंता मतलब होता है इंजीनियर, इंजीनियर को अपने विचारों को प्रदर्शित करने अथवा दूसरे के विचारों को समझने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अभियंता मतलब क्या, इंजीनियर अपने विचारों को आरेखन यानी कि ड्राइंग के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे बताया गया क्या, अतः अभियंताओं यानी कि इंजीनियर्स द्वारा अपनाए गए इस आरेखन माध्यम को क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग किसे कहते हैं, आपने समझ लिया, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, एक भाषा है जो कि इंजीनियर आपस में समझते हैं, जिस प्रकार से हम लोग बोलते हैं हिंदी, इंग्लिश, जो भी भाषा बोलते हैं, उसी प्रकार से इंजीनियरिंग ड्राइंग भी क्या है, एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, ठीक है। इतना इतनी चीजें हम लोग पढ़ लिया, क्लियर हो गया।
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगली हेडिंग की तरफ। अगली हेडिंग हम लोग का है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 सालों में कम 6 बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताइए, तो आपको ये तो एकदम रट लेना है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है। अब बहुत इजी भी है, क्योंकि हम आपको बता दें इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने के लिए आपको कुछ टूल खरीदने पड़ेंगे, टूल मतलब कि इंस्ट्रूमेंट खरीदने पड़ेंगे, जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो साइड में नोट भी कर लीजिएगा, आपको मार्केट से परचेज करके लाना होगा तभी हम इंजीनियरिंग ड्रॉइंग को पढ़ सकते हैं। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आपको ले आना है देखिए, पहला इंस्ट्रूमेंट है आपको ड्राइंग बोर्ड लेना है। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड लेना है हाफ ड्राइंग सीट के बराबर। ठीक है, आप चाहे तो बड़ा वाला ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कॉलेजों में जो है छोटे मतलब की जो ड्राइंग सीट आप लेंगे फुल साइज की होगी, उसको हाफ करके ही काम करवाया जाता है, तो उसी के साइज का जो है आपको क्या मिलेगा ड्राइंग बोर्ड मिलेगा। तो एक ड्राइंग बोर्ड आपको चाहिए, और उसके साथ साथ ही दूसरा आपको टी स्क्वायर तो नहीं लेना है, टी स्क्वायर का प्रयोग अब नहीं किया जाता है, लेकिन सेट स्क्वायर आपको लेना है। ठीक है, टी स्क्वायर आपको मिलेगा इंडियन मार्केट में, लेना भी नहीं है, इसकी जगह हम लोग क्या लेते हैं मेन ड्राफ्टर का प्रयोग करते हैं, अभी आगे देखेंगे। तो आपको क्या लेना है ड्राइंग बोर्ड लेना है और सेट स्क्वायर लेना है। तीसरा इंस्ट्रूमेंट क्या है, मेन ड्राफ्टर लेना है, उसके साथ साथ ही क्या करना है मिनी ड्राफ्टर के साथ हम प्रयोग करते हैं, जैसे ड्राइंग बोर्ड पे ड्राइंग सीट को चिपकाने के लिए पकड़ के रखने के लिए क्या यूज करते हैं ड्राइंग क्लिप, ठीक है, या फिर सेलो टेप या फिर पिंस। तो हम लोग इस टाइम क्या करते हैं पिन का प्रयोग नहीं करते हैं, क्लिप का प्रयोग भी कर सकते हैं, सेलो टेप का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्लिप के प्रयोग में क्या होता है जब हम इस पे स्केल चलाते हैं मिनी ड्राफ्टर चलाते हैं तो क्लिप क्या करता है इसको रोकता है, जबकि सेलो टेप जो है चिपक जाता है, उसमें कोई भी उभार नहीं होता है, तो ये कहीं ही इंस्ट्रूमेंट को चलने में आड़ता नहीं है, रोकता नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं सेलो टेप का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग क्या करिएगा सेलो टेप ले लीजिएगा। पांचवा है ड्राइंग पेंसिल। ड्राइंग पेंसिल में आपको लेना है एक एच पेंसिल और एच बी और 2H, ये पेंसिल आप ले लीजिएगा, चाहे तो 3H पेंसिल भी आप ले सकते हैं, इन्हीं का प्रयोग जो हम लोग ड्राइंग में करते हैं। आगे बढ़ते हैं ड्राइंग सीट, तो आपको ड्राइंग सीट सफेद लेनी है और थोड़ी सी मोटी हो और एकदम चिकनी और साफ हो, ऐसी ड्राइंग सीट आपको लेनी है, कम से कम 10 पीस एक बार में ही ले लीजिएगा। ठीक है, मापनी मतलब स्केल, स्केल आप 15 सेंटीमीटर वाली और 30 सेंटीमीटर वाली दोनों स्केल आप ले लीजिएगा। आठवां है ड्राइंग कंपास। ठीक है, यानी कि प्रकार, जो लंगड़ा प्रकार के नाम से जानते हैं, ये ड्राइंग जो प्रकार है वो अलग से लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक कंपास बॉक्स आता है। ठीक है, क्या आता है कंपास बॉक्स आता है, ठीक है, वो लेना है, इसमें बड़े कंपास और छोटे कंपास दोनों होते हैं और ये 120 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा, तो ये ले लीजिएगा। नवा है आपको सर्किल मास्टर या सर्किल स्टेंसिल। ठीक है, तो सर्किल मास्टर मतलब कि इसमें हम जानते हैं चांदा, ठीक है, जिसमें 180 डिग्री होता है, ये भी आपको लेना है, और एक होता है जिसमें एक 360 डिग्री का होता है, पूरा ये गोल होता है। ठीक है, तो हम आपको किस प्रकार से ये चांदा यूज करना है, 360 वाला और 180 वाला आप प्रयोग करना जानते ही होंगे, तो आप दोनों ले लीजिएगा ताकि जहां भी जिसकी आवश्यकता हो आप प्रयोग कर सकें। दसवां है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व जो एक टेढ़ी मेढ़ी आकृति की होती है, जैसे कि कर्व खींचने का काम किया जाता है, इसको भी आप ले लीजिएगा, ये सेट में आता है, 2 के सेट में या फिर 4 के सेट में आता है। फ्रेंच कर्व क्या होता है, किस प्रकार से काम करते हैं, फ्रेंच कर्व के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, और वीडियो में जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो इसका प्रयोग करके हम आपको दिखाएंगे भी कि किस प्रकार से आपको यूज करना है। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको लेना है। पेंसिल, पेंसिल शॉर्पनर कटर के बारे में जानते होंगे, कटर बचपन से यूज करते हैं, एक वो लेना है आपको। ठीक है, और उसके बाद रेगमाल यानी कि सैंड पेपर लेना है। सैंड पेपर में क्या कहता है पेंसिल के नोक को रगड़ करके नुकीला बना जाता है, आवश्यकता इसकी बहुत कम ही पड़ती है, तो नहीं भी लेंगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद है रबर यानी कि रेजर। रबर आप बड़ा वाला लीजिएगा जो 5 रुपए का अप्सरा का
आता है नॉन डस्ट वाली, वो लीजिएगा, ठीक है। और आपके पास एक रुमाल होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जब ड्राइंग सीट पे रबड़ से कुछ मिटाते हैं तो गंदगी आती है, तो उससे जब हाथ से साफ करते हैं तो हाथ का पसीना जो है ड्राइंग सीट पर चिपक जाता है और वहां पे काला पड़ जाता है, गंदा हो जाता है। तो हाथ से ना झाड़ करके आप क्या करेंगे, रुमाल का या फिर कपड़े का प्रयोग करेंगे वहां पे, तो आपके पास एक रुमाल भी होनी चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम लोग को लेना है। जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग को लेना है वही इंस्ट्रूमेंट इन ड्राइंग में लिख कर भी आना है, ठीक है। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है और किस प्रकार से हमें लिख करके एग्जाम में आना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको याद ही रहेगा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन में ये आता है, लेकिन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, तो आपको छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। तो आपको ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में बता देंगे किस प्रकार से आपको ये मिलेगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहां से देख लेते हैं। यहां से मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आपके पास है ड्राइंग बोर्ड। अब क्या करना है, ड्राइंग बोर्ड सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है इंजन ड्राइंग का। दूसरा है टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर। टी स्क्वायर लेना नहीं है, जो इंस्ट्रूमेंट जब लिखेंगे तो लेकिन लिखना है आपको, ठीक है, टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर। उसके बाद तीसरा इंस्ट्रूमेंट होगा मिनी डॉप्टर। मिनी डॉप्टर का प्रयोग किया जाता है किसी हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन खींचने के लिए या फिर किसी एंगल पे लाइन को खींचने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ड्राइंग क्लिप का प्रयोग करना है, ड्राइंग क्लिप, सेलो टेप या फिर पिंस का प्रयोग किया जाता है ड्राइंग सीट को ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स करने के लिए। पांचवा इंस्ट्रूमेंट हमारा ड्राइंग पेंसिल। छठवां है ड्राइंग सीट। सातवां है स्केल यानी मापनी। आठवां है ड्राइंग कंपास, ठीक है। नवां है साइकिल मास्टर या स्टेंसिल। स्टेंसिल आपको नहीं लेना है, साइकिल स्टेंसिल नहीं लेना है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट पर लिख के आना है। दसवां है फ्रेंच कर, पेंसिल शार्पनर, रेगमार, रबड़ यानी कि इरेजर एंड रुमाल यानी हैंकरचीफ। ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से समझेंगे, देखते हैं। देखिए पहला इंस्ट्रूमेंट हम लोग क्या है, इंजीनियरिंग सॉरी ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। तो ड्राइंग बोर्ड का फिगर यहाँ पर लगा हुआ है, जिसे आप देखेंगे तो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर की सतह एकदम चिकनी होनी चाहिए, ठीक है। और यह एक आयताकार आयत में बना होता है और ये पतली पतली पट्टियों के द्वारा बना होता है, ठीक है। लेकिन ऊपर पट्टी नजर नहीं आती है, नीचे नजर आती है। और साइड में जो है एक कोर बना होता है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक टी स्क्वायर को उसमें लगा करके चलाया जाता है, लेकिन टी स्क्वायर का प्रयोग आप करते नहीं है, उसके जहाँ पे एमडी करते हैं। तो तब पर भी ये बना हुआ आपको मिल जाएगा जो आप ड्राइंग बोर्ड इसमें खरीदेंगे। देखिए क्या बताया गया है ड्राइंग बोर्ड के बारे में। ड्राइंग बोर्ड एक आयताकार बोर्ड है जिसके ऊपर की सतह क्या होती है, समतल व चिकनी होती है, ठीक है, समतल व चिकनी होती है। इसे मुलायम व पूर्ण संशोधित लकड़ी की पट्टियों से जोड़कर बनाया जाता है। आजकल ड्राइंग बोर्ड प्लाई या हार्ड बोर्ड के भी बनाए जाते हैं। ड्राइंग बोर्ड को अगर उल्टा करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये आपको नजर आएगा। जब आप इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपसे एग्जाम पूछा जाएगा तो उसको एक्सप्लेन करके इसमें एक फिगर जो है आपको बना करके आना भी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लिस्ट लिख कर चले आएंगे 14 इंस्ट्रूमेंट यूज किया था बस हो गया, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको उसको एक्सप्लेन भी करना है विथ फिगर, फिगर के साथ, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का फिगर यहाँ पर है, इसमें एक स्केल लगा होता है जिसको हम लोग ब्लेड कहते हैं। इस ब्लेड पे क्या बना होता है, स्केल बना होता है, ठीक है, मापनी बनी होती है और हेड से स्केल जो है 90 डिग्री पे क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है। और इसको किस प्रकार से लगाया जाता है, देखिए ये हमारा क्या है, नीचे वाला ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है। इस पर ड्राइंग शीट को सेलो टेप लगा करके चारों तरफ से क्या किया है, चिपका दिया गया है। और इसी कोर में जो किनारे निकला हुआ था, कोर था, उसी में क्या किया है, टी स्क्वायर को उसमें लगा दिया गया है। और इसके द्वारा क्या करेंगे, इसको ऊपर
सरकाते जाएंगे या फिर नीचे सरकाते जाएंगे और क्या करेंगे इस तरीके से जो है हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखाएं खींच सकते हैं। टी स्क्वायर के द्वारा क्या कर सकते हैं केवल क्षैतिज रेखा खींच सकते हैं। अगर हम चाहें वर्टिकल खींचने का या किसी एंगल पर खींचने का तो हम नहीं खींच सकते हैं, केवल टी स्क्वायर के प्रयोग से हम लोग क्षैतिज रेखाएं ही खींच सकते हैं, वर्टिकल या फिर इंक्लाइन लाइन हम लोग नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है। यहाँ बताया गया है टी स्क्वायर लकड़ी या प्लास्टिक की बनी टी के समान होती है जिस पर मापनी यानी स्केल बनी होती है। हम लोगों ने इस बात को देख लिया यहाँ पे। ठीक है, आगे बताया गया इसके मुख्य दो भाग होते हैं, क्या होते हैं शीर्ष एंड पटल। पटल का मतलब ब्लेड, शीर्ष मतलब ये वाला भाग और पटल मतलब ये ब्लेड। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है शीर्ष भाग ड्राइंग बोर्ड पर बनी कार्यकारी कोर पर सरकाया जा सकता है, शीर्ष का कार्यकारी स्तर पर सरकाया जा सकता है। इस भाग के साथ 90 डिग्री पर एक पटल यानी कि ब्लेड जुड़ा होता है, यहीं पे 90 डिग्री पे ऊपर जो हमने लिखा है 90 डिग्री पे क्या पटल यानी कि स्केल जो है जुड़ा होता है, यही बात यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखा गया शीर्ष भाग को ऊपर से सरकाने पर इससे जुड़ा पटल भी ड्राइंग बोर्ड पर ऊपर से सरकता है, इस प्रकार पटल की सहायता से क्षैतिज तथा समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। टी स्क्वायर की सहायता से केवल क्षैतिज रेखाएं ही खींची जा सकती हैं, ऊर्ध्वाधर और झुकी हुई रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं, जो हमने आपको पहले ही बता दिया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर कैसा होता है, आप लोगों ने बचपन में प्रयोग किया होगा, ये है सेट स्क्वायर यानी कि त्रिभुजाकार जो दो आपने प्लास्टिक के इंस्ट्रूमेंट देखा होगा अपने ज्योमेट्री बॉक्स में, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, उसी को हम दोनों को मिलाकर क्या करते हैं सेट स्क्वायर करते हैं। एक में 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण होता है और एक में क्या होता है 45 और 45 डिग्री का कोण होता है। इसका प्रयोग क्या कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग समांतर रेखाएं खींचने में किया जाता है। ठीक है, और जब हम समांतर रेखाएं खींचने में इसका प्रयोग करेंगे और जब हम इसका प्रयोग इसी का प्रयोग अगर हम टी स्क्वायर के साथ कर लेंगे, जो अभी हमने देखा गया है टी स्क्वायर के साथ कर लेंगे तो हम वर्टिकल और इंक्लाइन लाइन भी खींच सकते हैं। कैसे, मान लीजिए टी स्क्वायर है, यहाँ पे इसको रख देंगे इस प्रकार से तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वर्टिकल लाइन भी खींच लेंगे या फिर इंक्लाइन लाइन भी खींच लेंगे, यानी कि टी स्क्वायर में अगर सेट स्क्वायर का प्रयोग किया जाए तो हम लोग वर्टिकल और इंक्लाइन लाइन भी खींच सकते हैं। यही चीज यहाँ बताया गया है, क्या बताया गया है, ऊर्ध्वाधर व झुकी हुई रेखाएं टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर के प्रयोग से खींची जा सकती है। ठीक है, बात समझ में आ गई, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है मिनी ड्राफ्टर। तो मिनी ड्राफ्टर क्या होता है इसको पहले देख लेते हैं। देखिए मिनी ड्राफ्टर इस तरीके का होता है, मिनी ड्राफ्टर खरीदने जाएंगे आपको 160 या 180 रुपए का आपको ये मिलेगा मार्केट में। इसमें होता क्या है कि यहाँ पे दो स्टील की या फिर लोहे की जो है रॉड होती है और यहाँ से मोड़ने की व्यवस्था होती है और यहाँ पे क्लिप लगा होता है जो ड्राइंग बोर्ड पर यहाँ पे कस दिया जाता है। ठीक है, और इसमें दो स्केल होते हैं, एक बड़ा स्केल होता है और एक थोड़ा छोटा होता है और यहाँ पे गोल सा एक स्केल होता है और उसके चांद एक जरा। ठीक है, इसमें 360 डिग्री वाला गोल वाला, इसमें क्या होता है एंगल बने होते हैं। ठीक है, इसमें एंगल बने होते हैं और इसमें सेंटीमीटर और एमएम जो है स्केल बना होता है। ठीक, तो इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसकी सहायता से मिनी ड्राफ्टर की सहायता से आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और किसी भी एंगल पे जो है कोण खींच सकते हैं। टी स्क्वायर की सहायता से हम केवल क्या कर सकते हैं, केवल हॉरिजॉन्टल लाइन ही खींच पा रहे थे। ठीक है, जबकि मिनी ड्राफ्टर उसी को रिप्लेस कर दिया और ये जब आया तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन और इसको यहाँ क्या करेंगे घुमा देंगे तो किसी एंगल पर भी लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, तो आजकल जो हम लोग यूज करते हैं उसी इसी को यूज करते हैं जिसको कहते हैं मिनी ड्राफ्टर और शॉर्ट में इसको कहते हैं मिनी ड्राफ्टर यानी कि EMD कहते हैं इसको, क्या कहते हैं EMD कहते हैं, ये आपको परचेज करना है। ठीक है, हाँ इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या बताया गया है। यहाँ बताया गया है इसका प्रयोग करने से टी स्क्वायर सेट स्क्वायर तथा चांदे का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, ये सब अकेले ही काम मिनी ड्राफ्टर कर लेता है। ठीक है, आगे क्या है इसमें एक चपटी
इसमें एक चक्ती मतलब डिस्क वही चांदी की बात है, चक्ती पर दो मापन या क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगी होती है। चक्ती पर 360 डिग्री के चिन्ह चारों ओर अंकित होते हैं, इसलिए चांदी का कार्य भी करता है। ठीक है, चांदी का कार्य भी ये करता है। समझ में आ गया? ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो आपको समझ में हम बता देंगे कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर से हम एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट के बारे में हमने आपको बताया, जो आप चार्ट पेपर के नाम से जानते थे उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ड्राइंग शीट कर रहे हैं। और ये ड्राइंग शीट कैसी होनी चाहिए? ड्राइंग शीट मोटी, चिकनी, स्मूथ होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही अगर आप रबर से मिटाते हैं तो ऐसा नहीं है ड्राइंग शीट पूरी उखड़ जानी चाहिए, उतना पतला हो जाना चाहिए। या पेन से लिखते हैं तो ऐसा भी होना चाहिए कि उस पेन की इंक फैल जानी चाहिए, ऐसा ड्राइंग शीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी ड्राइंग शीट में होनी चाहिए। यही बात यहाँ पे लिखा भी गया है। क्या लिखा गया है? ड्राइंग बनाने के लिए ड्राइंग शीट उत्तम गुणों वाली होनी चाहिए। एक अच्छी ड्राइंग शीट में निम्न गुण होने चाहिए। पहला है, एक समान मोटाई की पतली और चिकनी शीट होनी चाहिए। अधिकतम सफेद होनी चाहिए। रबर के प्रयोग से रेशे नहीं निकलने चाहिए, स्याही नहीं फैलनी चाहिए, ऐसा ड्राइंग शीट आपको प्रयोग करना है। ठीक है, अगला हैंड देखते हैं। अगले में क्या है कि ड्राइंग क्लैंप या क्लिप, सेलो टेप या पिन, इसका प्रयोग क्यों करते हैं? ड्राइंग बोर्ड पे ड्राइंग शीट को लगाने के लिए करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या सेलो टेप का प्रयोग किया गया। सेलो टेप का प्रयोग बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि चिपक जाता है और कोई इंस्ट्रूमेंट चलाने में दिक्कत नहीं करता है, और जहां चाहे यहाँ वहां लगा सकते हैं। हम चाहे अगर आवश्यकता है तो यहाँ भी लगा सकते हैं, आवश्यकता है तो यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, चारों कोने में लगाने में रुक जाता है, लेकिन हम एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो सेलो टेप का प्रयोग क्यों करते हैं? ड्राइंग शीट को, ये ड्राइंग शीट है ठीक है, ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाने के लिए क्या करते हैं? सेलो टेप का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से क्लिप का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिये यहाँ पे तीन तरफ से जो है यहाँ पे क्लिप लगाया गया है। क्लिप थोड़ा मोटा होता है, देख रहे हैं, अगर यहाँ इसको चलाने की आवश्यकता होती है तो वो जो है रोकने का काम करता है, मिड आफ्टर रोकने का काम करता है, और जिस कॉर्नर पर नहीं लग पाता है। ठीक है, तो ये क्लिप हो गया। इसी प्रकार से पिन का भी प्रयोग करते हैं। पिन का प्रयोग करते हैं, बोर्ड में जो है पिन को जो है धसा के लगा दिया जाता है, तो इसका प्रयोग तो अब नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आप जो लीजिएगा वो लेंगे क्या? सेलो टेप। लेकिन आपको जानना तीनों के बारे में, अगर एग्जाम में आएगा तो आपको लिख के भी तीनों के बारे में आना है। अब बात करेंगे ड्राइंग पेंसिल की। ड्राइंग में कौन कौन सी पेंसिलें आपको यूज करनी है, कितने प्रकार की पेंसिलें होती हैं, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। आज की वीडियो लंबी हो चुकी है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और शुरू से लास्ट तक का चैप्टर वन से लेकर के लास्ट तक के चैप्टर तक हम जो है पूरा कंप्लीट करके आपको ड्राइंग पढ़ा देंगे। ड्राइंग पढ़ने के लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम ड्राइंग का थ्योरी पढ़ा रहे हैं। थ्योरी पढ़ाने के बाद हर एक क्वेश्चन को हम खुद से ड्राइंग शीट पे EMD का प्रयोग करते हुए आपको बताएंगे। आप चैनल पर जाकर के पिछली सारी वीडियो भी देख सकते हैं, जो पुरानी वीडियो है, पिछले साल की वीडियो जो है, तो हमने किस तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है ड्राइंग बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए, EMD का इस्तेमाल करते हुए, सारे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए हमने खुद ड्राइंग को बनाते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिससे बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ सके कि उन्हें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।